सुप्रभात छात्रों, प्रणाम नमस्कार। इस उम्मीद के साथ कि आप अपने घर में स्वस्थ सुरक्षित होंगे और मेरे द्वारा दिए गए अभ्यास का या मेरे द्वारा दिए गए प्रश्नों का अभ्यास कर रहे होंगे। छात्रों, पिछले पीरियड में हमने जाना रसीला, जो कि बाबू इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था, और रमजान जो कि शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट के का चौकीदार था। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। एक बार रसीला की पत्नी का कुछ संदेश आया कि बेटे की तबीयत खराब है और गांव में कुछ पैसों की आवश्यकता है। रसीला ने अपने साहब बाबू जगत सिंह से पैसे की मांग की। बाबू जगत सिंह ने पैसे देने की बजाय साफ कह दिया कि तुम्हें नौकरी करनी है तो करो, नहीं तो कोई तुम्हें इससे अधिक देता हो तो तुम वहां जाकर कर सकते हो। रसीला को यहां से ज्यादा तनख्वाह मिल गई होती अगर वह कहीं गया होता, पर उसे बाबू जगत सिंह के यहाँ विश्वास हो गया था कि साहब उस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं करते, उसका मान सम्मान करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल न हुआ। आखिर में वह पैसे की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने मित्र शेख सलीमुद्दीन के चौकीदार रमजान के पास जाता है। रमजान के पास जाता नहीं, उससे अपनी सारी घटना सुनाता है। उसके तकलीफ को सुनकर रमजान स्वयं उसे 5 रुपए उधार दे देता है। यहां तक हमने जाना था। छात्रों, अभी इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि यह कहानी कहां मोड़ लेती है। वैसे मैंने कहानी का सारांश मैं आपको बता ही चुका हूं। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, उसने रमजान का ऋण चुका दिया। रमजान का ऋण, ऋण का अर्थ होता है कर्ज, लिया गया पैसा। केवल 8 आने बाकी थे। उसने रमजान के द्वारा दिए गए 5 रुपए में से 4.5 रुपए रमजान को लौटा दिए। धीरे धीरे करके सिर्फ 8 आना देना बाकी था। रमजान ने 8 आना मतलब 50 पैसे, 1 रुपीज का हाफ 50 पैसे। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। रमजान ने रसीला से कभी पैसे नहीं मांगे। जो 8 आने बाकी थे, 50 पैसे जो बाकी थे, उसने उससे भी नहीं मांगा, कभी भी नहीं मांगा। पर रसीला जब भी रमजान से मिलता तो उससे आंख मिलाकर बातें नहीं कर पाता, क्योंकि उसे हमेशा याद रहता कि उसे रमजान का 50 पैसा देना बाकी है। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे थे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि बाबू जगत सिंह 500 रुपए की रिश्वत ले रहे थे, और वो भी 500 रुपए की रिश्वत लेते समय कह रहे थे बस 500 रुपए दे रहे हैं, अर्थात वह और भी पैसे चाहते थे। हुजूर मान जाइए, और सामने वाला व्यक्ति कह रहा था बस मान जाइए, मेरे पास 500 ही है, 500 में आप मेरा काम कर दीजिए। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। आप ऐसा मान लीजिए कि आपने मेरा काम मुफ्त किया है, मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, यह समझ के ही 500 रुपए ले लीजिए कम से कम। ऐसा वह व्यक्ति बाबू जगत सिंह के सामने गुजारिश कर रहा था, विनती कर रहा था कि अब मैंने आपको 500 रुपए दिया, ये भी मान लीजिए कि मैंने दिए ही नहीं कुछ आपको, पर आपने मेरा काम फ्री में ही कर दिया, पर 500 रुपए ले लीजिए, उसके अधिक मैं नहीं दे पाऊंगा। ऐसा वह व्यक्ति बाबू जगत सिंह से कह रहा था। और यह घटना जब घट रही थी तब रसीला यह सब घटना को दूर खड़े हुए देख रहा था। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। रिश्वत
मतलब पैसा लिया जा रहा है। सोचने लगा रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है, मतलब पैसे कमाने का कितना आसान तरीका है, सीधे रिश्वत कोई काम करने के लिए पैसा ले लो। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। रसीला कहता है कि मैं सारे दिन मतलब होल डे काम करता हूँ, इसके बाद 10 रुपए एक तनख्वाह मुझे महीने भर की मिलती है। और हमारे जगतबाज सिंह बाबू बस मात्र कुछ पलों में 500 रुपए कमा ले रहे हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। उसने बाहर आया और अपने मित्र रमजान को सारी घटना के विषय में बताया। रमजान बोला, बस इतनी सी बात है, हमारे शेख साहब कहने का अर्थ है उसके मालिक शेख सलीमुद्दीन, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, मतलब वो तो और भी बड़े 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 कारनामे करते हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। रमजान कहता है आज एक कोई व्यक्ति फंस गया है, वो इंजीनियर साहब, उन्होंने किसी को गलती में पकड़ लिया है। अब वह बिना 1000 रुपए लिए मानने वाले नहीं है। कौन? शेख सलीमुद्दीन। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, मतलब इसी प्रकार से कमाई करके जो बड़ी बड़ी कोठियां मतलब बड़े बड़े घर बनवा कर रहते हैं। नहीं तो जो इनकी तनख्वाह है उस पे इस प्रकार बड़े बड़े घर बनवाना नामुमकिन है। इस प्रकार रमजान सारी बात रसीला को बताता है। और एक हम है कि परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। हम मेहनत करते रहते हैं और महीने भर की तनख्वाह हमें मात्र 10 रुपए मिलती है। और जब ये लोग हैं छोटी छोटी बातों पे किसी को गलतियों में दस कोई 1000 रुपए रिश्वत लेता है, कोई 500 लेता है, और पता न जाने भगवान इनके द्वारा किए गए कामों की सजा देगा या नहीं भी देगा। पर ये तो पता है कि इस प्रकार से कमाए गए पैसों से ये लोग बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा, एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुट जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई। रसीला सोचता रहा कि मेरे साहब मुझे कई बार पैसे देते और कुछ न कुछ मंगाते, अगर मैं उसमें से एक एक पैसे भी निकाल लेता तो मेरे साहब को नहीं पता चलता और काफी बड़ी रकम मैं जमा कर लेता, रकम मतलब काफी ज्यादा पैसा मैं जमा कर पाता। वह ऐसा सोची रहा था कि इतने में उसके साहब ने उसे बुला लिया, उसे आवाज लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। साहब ने कहा, रसीला जा तो 5 रुपए की मिठाई ले आ। अब यहाँ छात्र मुख्य रूप से कुछ प्रश्न भी बन जाते हैं, जैसे कि बाबू रसीला ने बाबू जगत सिंह को कितने रुपए रिश्वत लेते हुए देखा, रसीला ने यह घटना किसे बताई, रमजान ने रसीला की बात सुनकर क्या कहा, और रसीला ने किस प्रकार रिश्वत लेने की या फिर पैसे जमा करने की बात सोची, इत्यादि प्रश्न इस प्रकार से इन वाक्यों में बनते हैं। तो इसके उत्तर इस प्रकार से हो सकते हैं, अगर ऐसा प्रश्न है कि रसीला ने किसे रिश्वत लेते हुए देखा, तो रसीला ने बाबू जगत सिंह को 500 रुपए रिश्वत लेते हुए देखा। रसीला ने रिश्वत वाली घटना के विषय में किसे बताया, तो रसीला ने रमजान से रिश्वत लेने वाली घटना के विषय में बताया। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। तो रमजान सारी घटना सुनने के बाद रमजान ने क्या कहा, तो सारी घटना सुनने के बाद रमजान ने कहा कि मेरे साहब भी रिश्वत लेते हैं और ये लोग इसी की रिश्वत के भरोसे तो बड़ी बड़ी कोठियों में रह पाते हैं, नहीं तो जितनी इनकी तनख्वाह है उतनी तनख्वाह में तो बड़ी बड़ी कोठियों में रहना मुश्किल हो जाता है। फिर इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़े कि रसीला सोचने लगा कि मेरे साहब मुझसे इतना सामान मंगवाते हैं, अगर मैं थोड़ा थोड़ा पैसा भी उसमें से रकम भी निकाल लेता, कुछ पैसे भी निकाल लेता, तो आज मैं काफी बड़ी रकम या ढेर सारा पैसा जमा कर पाता, मेरे पास ढेर सारा पैसा हो जाता। और आगे यहाँ तक हम पढ़ चुके, इसके आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं।
जो सामान्य रूप से आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको कुछ वाक्यांश दे दी जाएंगी, उसके आधार पर इस पाठ को आधार बनाकर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी। साहब ने उसे 5 रुपए की मिठाई खरीदने के लिए कहा था, पर रसीला ने केवल 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। इस बार रसीला ने गलती कर दी। साहब ने कहा 5 रुपए की मिठाई लाने। हमेशा वो साहब जो कहते वो पूरा ईमानदारी से करता, पर पहली बार रसीला ने साहब के कहने पे कि 5 रुपए की मिठाई लाना है तो 5 रुपए तो लिए, पर उसने केवल 4.5 रुपए की ही मिठाई खरीदी। बाकी 8 50 पैसे जो बचे, जो उसके उधारी के बाकी थे रमजान के पास, वहां जाकर रमजान को दे आया और सोचा कि चलो अब तो मेरा कर्ज उतर गया, अब मैं कर्ज से आजाद हो गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी और चौंक उठे। क्यों चौंक उठे? क्योंकि वो हमेशा मिठाई मंगवाया करते थे, तो जैसे ही उन्होंने मिठाई देखा तो उन्होंने बोला, मिठाई तो कुछ कम नजर आ रही है, 5 रुपए की मिठाई कम आई है ऐसा लगता है। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी और तो चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपए की है? हुजूर 5 रुपए की ही है। रसीला ने कहा, हाँ 5 रुपए की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। रंग उड़ गया मतलब वो घबरा गया, उसे समझ में आ गया कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही उत्तर दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा, एक थप्पड़ मारा और कहा, चल मेरे साथ, जहां से लाया है चल, मैं देखता हूं कि 5 रुपए की मिठाई है या क्या है। अब रसीला डर गया कि उसने पहली बार चोरी की, पहली बार कुछ पैसे निकाल लिए साहब द्वारा दिए गए, अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, और वह घबरा गया, उसकी सांसें थम गई। आगे देखते हैं हम, आगे क्या होता है।